Hey FinFarmers, I am Arun Malhotra and FinFarm में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत छोटा सा रखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी DeFi सर्विस का फायदा उठाना है तो आपको ऑफ कोर्स DeFi वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। मार्केट में करंटली दो ही फेमस DeFi वॉलेट्स हैं, एक ट्रस्ट वॉलेट और एक Metamask। मैं पर्सनली Metamask रेकमेंड करता हूँ एंड अगर आपको कोई भी DeFi वॉलेट यूज करना आ गया तो आप कोई भी दूसरा DeFi वॉलेट यूज कर सकते हो क्योंकि सबकी फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। Metamask डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले metamask.io पर जाना। करंटली Metamask तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड है, आपके ब्राउजर्स पे, आपके iOS पे और आपके एंड्रॉइड पे। अभी बाय डिफॉल्ट क्रोम पे सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने क्रोम खोल रखा है। वैसे चार अलग अलग ब्राउजर सपोर्ट करता है, क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव और एज। मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो आपका Metamask है वो एक अलग सी exe फाइल नहीं है, वो सिर्फ एक क्रोम का एक्सटेंशन है। तो बस मुझे यहाँ पे इंस्टॉल Metamask और क्रोम पे जाना है। ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। Metamask मेरे ब्राउजर में ऐड हो चुका है। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप न्यू यूजर हो तो लेट्स सेट अप क्रिएट अ वॉलेट फोकसिंग ऑन Metamask। आई एग्री, मैं इसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री कर रहा हूँ। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं पासवर्ड ही रहने दूंगा। पासवर्ड सेट करते कि ये मुझे रिकवरी फेज के बारे में बता रहे हैं। रिकवरी फेज आप जैसे ही इसके नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, रिकवरी फेज जो भी आपको शो करता है वो कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कि रिकवरी फेज क्या होते हैं, सीड फ्रेजेस क्या होते हैं, तो आप एक क्रिप्टो वॉलेट्स की वीडियो देख सकते हो। ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके हाथों से बाहर चले गए तो आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों ना सेट कर रखा हो, कोई भी आपके फंड्स एक्सेस कर सकता है। तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक हियर टू रिवील योर सीक्रेट फ्रेज, मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसको मैं कहीं पे नोट डाउन कर लूंगा। अब बस मुझे अपने यही सीड फ्रेज जो भी Metamask ने मुझे शो किया था, मुझे वापस इसे अरेंज करना है, ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि वो सीड फ्रेज मैंने कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया। ठीक है, तो मैं अपना सीड फ्रेज वापस अरेंज कर चुका हूँ एक बार। अब जस्ट मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करते ऑल डन एंड ये मेरा वॉलेट सेटअप हो चुका है। जैसे आपका वॉलेट सेटअप होगा, ये आपको आपका अकाउंट दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट इथेरियम मेननेट पे सिलेक्टेड होता है एंड ये आपका अकाउंट बैलेंस है। सिंस अभी अभी मैंने वॉलेट सेट किया, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है एंड ये रहा मेरा अकाउंट एड्रेस। तो अगर मुझे कभी भी Metamask एक्सेस करना होगा, आपको बस अपने ब्राउजर पे क्लिक करना और ये रहा Metamask, ये Metamask का एक्सटेंशन आ जाएगा एंड आप इसके थ्रू Metamask को एक्सेस कर सकते हो। और एक FinFarmers, आज के एपिसोड में बस इतना। आप सक्सेसफुली Metamask वॉलेट सेटअप कर चुके हो। Metamask वॉलेट सेटअप करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि FinFarm में जितने भी DeFi ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं उसमें Metamask ही यूज करते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो बंद होते ही लाइक बटन जरूर दब जाना चाहिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए FinFarm को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के।